अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये सेकंड पार्ट अपलोड कर दी हूँ मैंने गाइस। ये सेम डे का वीडियो है जब हम लोग दरगाह शरीफ गए थे खड्डी गांव की, उसके बाद हम लोग पहाड़ पर आए हैं। तो ऐसा था कि दरगाह का जो वीडियो था वो काफ़ी लेंदी हो गया था, इसलिए मुझे इसे दो पार्ट में अपलोड करना पड़ रहा है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये सेम डे का दोनों वीडियो है। पहले हम लोग दरगाह शरीफ गए, वहाँ से हम लोग पहाड़ पर गए। तो चलिए वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा पहाड़ है और अभी यहाँ हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ पहाड़ पे। रिमशा भी केयरफुल। इमाम पार्ट ला के दू। और क्या मजा आ रहा है जन्नत पहाड़ पे। ये पूरा जंगल है यहाँ, ये पूरा ऊपर तक जंगल है यहाँ पूरा। अभी इमाम को बोलती हूँ ऊपर से वीडियो आप लोग को दिखाएगा नीचे का पूरा। ये देखिए पूरा पहाड़ है और ये पूरा एरिया देखिए माशाल्लाह। हाँ बेटा, ब्लॉग बना रही हूँ। कांटा भी है बेटा, चप्पल नहीं पहनी है। देखिए कितने डेरिंग बाज है, आ गए ना ऊपर। डर के आगे जीत है, ठीक है। तीन दिन बाद ईद है। बारिश की वजह से ना ज़्यादा पब्लिक वैसे नहीं आई है अभी, वरना यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा पब्लिक भरी रहती है। बच्चे लोग बैट बॉल खेलने आते हैं और बच्चे लोग अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग अपने बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन बारिश की वजह से अभी ज़्यादा कोई पब्लिक नहीं है। और आगे पीछे की तरफ है ना, वहाँ तो पूरा ग्रीनरी है। एक गिरेगी जन्नत संभाल, छतरी क्यों बोली जन्नत? और अभी ऊपर की तरफ जाने में अभी इमाम मना कर रहे हैं, बोलते ऊपर ना सब गंदे लड़के लोग आते हैं, इसलिए अभी ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। और एक गिर स्लिप होएगी, बाप रे कितनी हाइट है देखो। वाकई में यहाँ पे विजिट है या संडे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी भीड़ रहती है, लोग अपने फैमिली बच्चे के साथ आते हैं, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करते हैं। और ये पहाड़ का तो मजा है, सुंदरता सुंदरता हवाएं, सुंदरता सुंदरता हवाएं। हाँ तो यहाँ पे हवा जो रहती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है गाइस, ये देखिए बिल्डिंग देखिए कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। संभाल पीछे गिरेगी वो, धक्का मारो। और हमारी बिल्डिंग वो उधर है, आगे की तरफ है हमारी बिल्डिंग। और ये पूरा पहाड़ से निकलते हैं अभी, ठीक है। एक मैं पकड़ो, नहीं 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 इसको मत दो रिस्क इमाम, नहीं और पकड़ेगी मजबूत, नहीं नहीं पकड़ पाएगी वो, तुम पकड़ो। तू छतरी पकड़ रही है हाथ से, कैसा है ना गाइस, पूरा स्लिपी है देखिए, पूरा स्लिप हो रहा है, मैं खुद स्लिप हो रही हूँ यहाँ से। देखो मैं बोल रही हूँ ऊपर, ये पूरा जंगल है, ये भी पूरा पहाड़ है। चलिए यहाँ से उतरते हैं। बिस्मिल्लाह, पूरा पैर में ना कीचड़ कीचड़ लग गया है मेरे। इमाम दोनों बच्चों को हाथ पकड़ के उतार रहा है और हमारी बाइक वहाँ खड़ी है सामने की तरफ। चलिए निकलते हैं यहाँ से। और आपके भाईजान बेचारे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उनके बिना ऐसी भी अच्छा मुझे कहीं लगता नहीं है, लेकिन वो नहीं आए, क्या करेंगे, अब उनका काम भी ज़रूरी है ना गाइस। ये देखिए गाइस, देखिए क्या धमाकेदार बारिश हो रही है। देखिए हम लोग रुक गए थोड़ा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ देखिए मज़ा कर रहे दोनों जन, ये देखिए। और यहाँ पर पूरी फैमिली भी पूरी भीग रही है पीछे आगे भी। और ये देखिए, हाँ ये देखिए पूरी फैमिली पूरी मस्त ब्लर हो रहा है, वो पूरी फैमिली ये देखिए पूरी भीग रही है। इतना छोटा बच्चा है उसको कितना शौक है भीगने का, देखो। और देखो अभी कितने काले बादल है, देखो बाप रे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बहुत। और जन्नत को इतनी सर्दी है तो भी देखो कैसे भीग रही है। ले ले मज़े ले तू, घर पे जिंदगी जिंदगी के मज़े ले रही है। गाइस तो ये देखिए अभी हम लोग आए भुट्टे की शॉप पे, ठेले पे। यहाँ पे हम लोग गर्मा गर्म भुट्टा खाने जा रहे हैं और ये भुट्टा बहुत महंगा दे रहे। कितने का दे रहे भाई भुट्टा? इनकी स्माइल देख, इसको बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाने वाले। तो अभी हम लोग भुट्टे की दुकान पे आए, सॉरी ठेले पे आए। एक्चुअली हम लोग वहाँ दरगाह वहाँ से निकल गए, उसके बाद ना मेरे को रास्ता भर में इमाम को बोली इमाम भुट्टा खाना है। एट लास्ट हम लोग को मिल गया, ये सिल्वर पार्क के आगे है प्राइम हॉस्पिटल के सामने भुट्टा है इनके पास। भुट्टा अच्छा है लेकिन 20 रुपये का भुट्टा है ये गाइस। आइए आप लोग भी और एक और भुट्टा निकाल भाई, अच्छा वाला बड़ा तंदुरुस्त सा भुट्टा निकालना, जैसे आप हो तंदुरुस्त वैसे ही निकालना। ये देखो भुट्टे, हाँ लाओ रे भाई।
इधर दिखाओ तो सही जरा इधर। तो चलिए फटाफट भुट्टा लेते हैं, दो भुट्टा ले लिए, एक भैया के लिए एक जन्नत के लिए। अपने लिए ले लो। नहीं मेरे को तीन ले लो ना, मेरे को तीन मेरे को वड़ा पाव खाना है। वड़ा पाव भी खा लेना। अड़ा पाव बोले से अड़ा पाव। वड़ा पाव खा लेना, ये भी ले लो। नहीं वो वाला नहीं चाहिए भाई, अजीब वो इधर है ना। नहीं तो पतले पतले नहीं चाहिए, ऐसे वाला एक मोटा चाहिए। बारिश के सीजन में भुट्टा खाने का अपना अलग ही मजा है यार, अलग ही मजा है। इसलिए बारिश का मौसम हो, भुट्टे पे नींबू और मिर्ची का तड़का। और भाई कहाँ रहते हो आप? कौसा में रहते हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुप्ता जी, गुप्ता जी हमारे। ये बात बड़े हसमुख है हमारे भैया जी, मट्टू भाई। चलिए अच्छा बढ़िया है। देखो भाई यही सब, मैं YouTube पे डालूंगी वीडियो, कोई एतराज तो नहीं है ना? तो बोल दो अभी। नहीं कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं है। अच्छा हट्टा खट्टा लेना एक तंदुरुस्त। एक है ना, एक ऊपर सही वाला है, एक दो सही है। फिर अभी तुम तो तुझे क्या खाना रिम में? तो क्या खाने है? शोरमा, शोरमा शोरमा दे दीजिए। रोटी वाला यहाँ पे। और अभी भी देखिए कितना काला बादल है, अभी भी बहुत बेकार बारिश होएगी। फटाफट भुट्टा होता है, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इमाम जाएगा अभी कुछ काम से, भैया का फ़ोन आया था कि थोड़ा माल मटेरियल कम पड़ गया है, तो वो इमाम को लाने जाना है अभी, है ना इमाम? मज़ा आया इमाम घूम के? हाँ मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बिल्डिंग के नीचे आ गई हूँ, ठीक है। और दुकान पे गई थी, बच्चे लोग को ना कुछ चिप्स वगैरह लेना था, और इमाम गया अभी माल लेने के लिए। इमाम ने फ़ोन किया था जसीम को, तो कुछ धागा वीगा कुछ कम पड़ गया था, तो वही लेने के लिए गया है। ये नीचे देख, और यहाँ पे देखिए क्या लिए तुम लोग ने? एक मार्शमेलो और एक बिस्किट। तो मार्शमेलो बिस्किट लिए, और अभी जा रही हूँ मैं घर पे, जाती हूँ और ये लोग मस्त पूरा इंजॉय करें। मैं भी पूरा भीग गई हूँ, अभी जाती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ, ये लोग को भी कपड़े चेंज करवाती हूँ। आगे इधरा मेरे पीछे पीछे यार, इतनी ट्रैफिक इधर कोने में चल यार, इतनी ट्रैफिक हो गई है ना ये एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं। पहले इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, अभी तो ना चलना एकदम मुहाल हो गया है। पता नहीं आपके भाईजान क्या कर रहे होंगे। हम लोग तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय करें। अभी जाऊंगी घर पे, जाते जाते पहले बच्चों के कपड़े चेंज करती हूँ, इंशाल्लाह फिर ये वीडियो को एडिट करने बैठती हूँ। अभी तो ये वीडियो आप लोग को आज तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इमाम चाचा देख आवाज़ दे, देख गया बैग लेके। तो ये वीडियो आज तो आप लोग को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक सो 7:10 हो रहा है शायद। आओ जल्दी, तो चलिए फटाफट घर चलती हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इमाम इधर आ कोने में, आप पकड़ उसका, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और ये देखिए इमाम यहाँ बाइक लगा रहा है, ले लिए माल। चलिए फिर, चलिए गाइस अभी घर पे चलते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। चलिए फिर, दुआ में याद रखना इंशाल्लाह, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। किसकी शादी का जा रहा है बाबा? तेरी? अरे यार चलो ऊपर, चलो चलो घर पे जा रही हूँ। हाँ अरे नहीं, मम्मी हो रही है उसकी शादी, नहीं है अरे भाई की मांग नहीं है यार, उनके रिलेशन में मांग है किसी का, ये आपकी मम्मी है। किसकी? उसकी मंगनी की शादी है, उसकी मंगनी है। अरे हाँ उसकी इमाम, उसकी मंगनी है बाबा। हमारे बिल्डिंग में किसी की एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। चलो ऊपर, चलो 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 यार, चलो सब घर पे चलते, भुट्टा खाते गरम गरम भुट्टा। आ जाओ आप लोग दिखाने, कहाँ गया इमाम चाचा, कहाँ गया? चलिए गाइस, तो मुंबई मेरी जान, इंडियन रुपया ब्लॉगर, सबकी शान, बूढ़े हो या जवान रखिए अपना ध्यान, सॉरी 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 बच्चे हो या जवान रखिए अपना ध्यान। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, कर मिलते हैं वापिस।